दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सतना शहर की जनता को अब खून से सना हुआ पानी पीना पड़ेगा। आपके पानी में मरे हुए जानवरों का रक्त मिला होगा और आप वही पानी अब पिएंगे। मैं उसके कारण का खुलासा करने जा रहा हूं। सतना शहर के नजीराबाद के पास नगर निगम ने स्लॉटर होम बनाया है। इस स्लॉटर होम में दुकान आवंटित भी हो गई है। एक आदमी ने पशु चिकित्सालय से अनुमति मांगी है कि आप हमें मेडिकल फिट या अनफिट होने के पशुओं के सर्टिफिकेट जारी करें, तो मैं यहां भैंसे और मरे हुए जानवर मुर्गे बकरे काटने का काम शुरू कर दूं। मैं आपको यह चीज बताने जा रहा हूं कि नजीराबाद शमशान घाट के पहले यह स्लॉटर होम बना है। वहां से एक नाला सीधे सतना नदी जाता है और सतना नदी का पानी ही वहीं से सीधे चलता हुआ एनीकेट आता है और उसी एनीकेट से पूरे शहर को वाटर सप्लाई होती है। पीने का पानी दिया जाता है नगर निगम द्वारा। अब हमें जो पानी मिलेगा उसमें मरे हुए जानवरों का रक्त मिला होगा और उस खून से सना हुआ पानी पूरे शहर की जनता को पीना पड़ेगा। यह व्यवस्था स्मार्ट सिटी के तहत हमें दी जा रही है। एक भी समाज सेवी संगठन या एक भी राजनीतिक दल ने अभी तक विरोध स्वरूप इसकी आवाज नहीं उठाई है, जबकि पशु चिकित्सालय से नगर निगम को एक पत्र लिखकर यह पूछा गया है कि क्या आपने ऐसी कोई व्यवस्था की है, ऐसा कोई दुकान आवंटन किया है। दोस्तों अगर ऐसा होने पाया तो मरे हुए जानवरों का रक्त उस नाले से, नजीराबाद के शमशान घाट के पहले नाले से बहता हुआ सीधा सतना नदी में जाएगा और सतना नदी से होता हुआ वह एनीकेट में मिश्रित होकर मिलेगा और उस एनीकेट से हम पूरे शहर के लोग पानी पिएंगे। आप इसके लिए तैयारी कर लें या आपको विरोध करना हो, रक्त वाला पानी नहीं पीना हो, तो आप इसके लिए आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। आप अपने स्तर पर मंच ढूंढें और उस मंच से आवाज उठाएं। मैं सिर्फ एक जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं।